हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट, जो कि टर्म बार बार आपने यूट्यूब पर भी सुनी होगी कि रिस्क मैनेजमेंट करके चले तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है, यहाँ पे इन शॉर्ट आपको मैं समझा देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेंड, यहाँ पे आप दो चार्ट देख सकते हैं, ये परसेंटेज लॉस ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल, परसेंटेज गेन ऑफ रिकवरी ऑफ कैपिटल। तो फ्रेंड, ये लॉस का परसेंटेज है। अगर किसी कैंडिडेट ने लॉस किया 10%, 20%, 30%, 40%, 50 और 60%, अगर वो 10% लॉस करता है तो उसका गेन परसेंट है 11.11%। 20% अगर लॉस करता है तो वो गेन कर रहा है यहाँ पे 25%। 30% अगर उसका लॉस है तो उसका गेन परसेंटेज है 42.85%। 40% अगर लॉस है तो 66.66% यहाँ पे उसका प्रॉफिट परसेंट है। 50% अगर लॉस कर रहा है तो 100% उसका गेन परसेंटेज है। दैट मीन्स फ्रेंड, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जो आपका लॉस है, जब तक आप अपने लॉस को मिनिमाइज नहीं करेंगे और गेन को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे नहीं बन सकते। जबकि रिटेल इन्वेस्टर का जस्ट इसका उल्टा होता है, जो गेन परसेंटेज होता है वो कम होता है और लॉस परसेंटेज ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये होता है फ्रेंड, जब वो ट्रेड ले लेते हैं तो वो स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाते नहीं हैं और अपनी ट्रेड को मतलब स्टॉप लॉस कट करना नहीं चाहते और वेट करते रहते हैं कि मार्केट रिवर्सल लेगा लेगा, और इस चक्कर में लॉस काफ़ी उनका ज़्यादा हो जाता है। जबकि उनकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में आने लग जाती है तो उनको ये डर रहता है कि कहीं ये रिवर्स ना ले ले, तो इसी चक्कर में वो पहले ही प्रॉफिट बुक करके वहाँ पे निकल जाते हैं, जहाँ पे उन्हें 15-20%, 30% का प्रॉफिट हो सकता था, वहाँ पे जस्ट वो 5% का प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। तो चार्ट इसका जस्ट उल्टा हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के केस में। जो गेन परसेंटेज है, सपोज 5% का गेन ले रहे हैं और लॉस के केस में वो 20% तक उसके रिट्रेसमेंट का, रिवर्सल का यहाँ पे वेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉस को मिनिमाइज कर लेते हैं और गेन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना